आदरणीय श्रीमती दीपमाला भरत जी वैष्णव और नगर पालिका उपाध्यक्ष सीमा मनीष जी उपाध्याय से निवेदन करूं कि वे माननीय मंत्री महोदय का बुके भेंट कर यहाँ पर स्वागत करते हुए स्वागत की इसी कड़ी में मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी पहनाकर यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी के माध्यम से माननीय हमारे मंत्री महोदय जन जन के लाडले हरदीन अजीत युवाओं के हृदय सम्राट किसानों के चहेते आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत यहाँ इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी में हमारे ईओ साहब माननीय भवनलाल जी सेन साहब हमारे मंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करने जा रहे हैं। सम्मान माननीय मंत्री महोदय का ऊपर ना उड़ा कर देखा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की इसी कड़ी में माँ शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित इस मेले में और इस भजन संध्या में पधारे हुए सभी मेरे छोटी सारणी के आशीर्वाद दाताओं सुख चिंतकों और साथियों का हमें हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मान के इस समारोह के मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं जिनका आप सबको जानकारी नहीं होगी। हमारे यहाँ के सीजेएम साहब मजिस्ट्रेट साहब परमानंद जी भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। जैसा नाम है परमानंद वैसे ही भगवान ने उनको नाम के अनुसार ही सबको दिया है। परम आनंद करते हैं चाहे आपकी ज्योति नहीं हो उनके पास। ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी बुद्धि के देव पर पढ़ करके आज न्यायाधीश के पद पर संभाल रहे हैं और चारों तरफ उनकी महिमा हो रही है ऐसे मुख्य अतिथि का मैं इस समारोह में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और माँ काल से माँ शिवराति पर शिव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि उत्तरोत्तर उन्नति करें और राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष बनकर सुशोभित करें। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। दूसरे हमारे मेहमान हैं जिनके सब आकर्षित होकर देख रहे हैं। मैं फालतू में बीच में फूमस की तरह से खड़ा हो गया। आप सब आशा जी से ज़्यादा मिलने आए हैं। उदयला लाजना को तो यहाँ वहाँ घूमता हुआ रोज ही देख लेते हैं। इसलिए हमारे इस समारोह के मुख्य गायक कलाकार जो भक्ति संगीत से आपका पूरा मनोरंजन करेगी साथ ही देश की एकता अखंडता और धार्मिकता भी अपने शब्दों के द्वारा प्रवाह करेगी जिसको सुनने के लिए आप बैठे हैं। अभी आशा जी जब बोल रही थी और गा रही थी कि आवाज़ नहीं आ रही है, फिर बहनों से कहा कि बोलो तो बहनों की आवाज़ आई, भाइयों को तो कहा ही नहीं। अरे भाई भी यहाँ के गाने में कोई कमज़ोर नहीं है। यह भी अगर शुरू हो जाए आपके पास तो ये माइक और म्यूजिक वाले बैठे हैं कि बिना माइक के इतना बढ़िया गाते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये तो आज हमारे मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए इन मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नगर पालिका अध्यक्ष फातमा जी, सीमा जी उपाध्याय और वैष्णव दीपमाला, तीन ही महिलाओं ने इतिहास रख दिया इस मेले का। महादेव ने हमें कोरोना काल से बहुत ज्यादा